Assalamu alaikum and very good morning to all my dear students. How are you all students? Come back to your English study. Today in class 2 subject English, I am going to explain you unit number 10 and the name of this unit is the grasshopper and the ant. Okay students, so everyone open your Marigold textbook. Come to your page number 167. Okay, let's see this story. Students, do you like to listen story? आप सबको story सुनना तो पसंद है ना? Yes. So today in this lesson we will see the story of the grasshopper and the ant. Grasshopper तो आपने देखा होगा ना? This one is grasshopper, okay? और ant भी आप लोगों ने देखी है, चींटियां. Ant means चींटियां, okay? So let's start our story, students. Keep finger where I am reading. Once there lived a lazy grasshopper. He didn't like to work. He did not like to work. All day long, he sang songs and played in the warm sunshine. Hee hee, look at me. I'm as happy as can be. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. We are storing grain for the long winter ahead, they replied. The lazy grasshopper only laughed louder. Students, ये लेसन में ग्रासहॉपर एंड चींटियां है, उन दोनों की बात की गई है. ओके, ये जो चींटियां है वो हार्ड वर्किंग है और ये जो ग्रासहॉपर है वो लेजी है. सो क्या होता है हम देखते हैं. वंस देयर लिव्ड अ लेजी ग्रासहॉपर. एक बार एक लेजी ग्रासहॉपर था. लेजी मींस आलसी. ओके, He didn't like to work. ये जो lazy आलसी grasshopper है उसको काम करना पसंद नहीं था. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. ये जो grasshopper है वो पूरे दिन क्या करता रहता था? He sang songs. वो song गाता रहता था. You can see. गाने गाता रहता था और वार्म जो सनशाइन है वहां खेलता रहता था. ओके, क्योंकि वो लेजी था ग्रास होपर, उसको काम करना पसंद नहीं था. ही ही, लुक एट मी, आई एम एज बिजी एज कैन, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी. वो ये जो चींटियां थी वो हार्ड वर्किंग थी, वो काम कर रही थी, तो ये ग्रास होपर हंसते हंसते क्या बोलता था? अरे देखो मैं कितना खुश हूँ, मैं सॉन्ग गाता हूँ और सनशाइन में प्ले करता हूँ. द ग्रास होपर लाफ्ड एट हार्ड वर्किंग एंट्स एज दे वर्क डे एंड नाइट. ये जो चींटियां है एंट्स है वो हार्ड वर्किंग थी, वो दिन और रात मेहनत करती थी और ये जो ग्रास होपर था वो खेलता रहता था और हंसता रहता था और चींटियों को बोलता था कि देखो मैं कितना खुश हूं. We are storing grain for the long winter ahead, they replied. ये जो चींटियां थी, चींटियों ने रिप्लाई किया. स्टोरिंग, स्टोरिंग मींस कलेक्ट करना. ओके, तो ये चींटियां क्या कलेक्ट कर रही थी? ग्रेन, अनाज
कलेक्ट कर रही थी विंटर के लिए, सर्दी की मौसम के लिए. ओके, द लेजी ग्रास होपर ओनली लाफ लाउडर. ये जो लेजी ग्रास होपर था वो सिर्फ जोर से हंसता ही रहता था. समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव. ओके, तो ये जो समर की सीजन है वो फिनिश हुई, एंड हुआ उसका. एंड कौन सी ऋतु आई? विंटर, कोल्ड विंटर मीन्स सर्दियों की मौसम आई. द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. अब ये जो सर्दी की मौसम स्टार्ट हो गई, विंटर स्टार्ट हो गई, तो क्या हुआ? विंड मीन्स पवन जोर से तेज से चलने लगा और बर्फ भी गिरने लगी. ओके, द ग्रास हॉपर नाउ बिगन टू वरी. देर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स. आई कांट सी इवन द टाइनीस्ट फ्लाई और वर्म. वट विल आई डू? आई विल श्योरली स्टार्व, ही क्राइड. लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट. ओके, तो ये जो समर एंडेड हुआ था और सर्दियों की मौसम स्टार्ट हुई थी, तो अब क्या हुआ? द ग्रास होपर नाउ बिगन टू वरी. अब ये जो ग्रास होपर था उसको चिंता होने लगी. देर इज नो फूड टू ईट मीन्स खाने के लिए फूड कुछ भी खाने के लिए नहीं था. नो ग्रास, नो फ्लावर्स, नो लीव्स. ओके, ग्रास भी नहीं थी, फ्लावर्स भी नहीं थे और लीव्स मीन्स हरे पत्ते भी नहीं थे. ओके, क्योंकि बर्फ गिरता है तो ये सब उसको ग्रास होपर को नहीं मिलता. आई कांट सी इवन द टाइनीस्ट फ्लाई और वर्म. और ये ग्रास होपर क्या बोलता है कि मैं छोटी सी फ्लाई मक्खी और कुछ कोई वर्म मीन्स इंसेक्ट ये भी नहीं देख सकता. ओके, व्हाट विल आई डू? अब मैं क्या करूंगा? आई विल श्योरली स्टार्व. स्टार्व मीन्स भूखी मर जाना. ओके, मैं श्योरली भूखी मर जाऊंगा. ही क्राइड, लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट. तो उसने क्या सोचा? चलो मैं मेरी जो काइंड नेबर है, दयालु नेबर है कौन? एंट, उनको मिलता हूं. उसने ये सोचा ग्रास होपर ने. द ग्रास होपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंड एंट had stored away grain for the winter. He knocked at her door. Dear ant, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please, can you give me some food? So what happened? The grasshopper remembered how the hardworking ant had stored away grain for the winter. Means ये जो ग्रास होपर था उसको पता था कि ये जो मेहनतू चीटियां है, हार्ड वर्किंग चीटिया, उन्होंने ग्रेन स्टोर किया है, कलेक्ट किया है विंटर के लिए, उसको पता था. सो उसने क्या किया? He knocked at her door. ये जो ant थी उसके door पर knock किया और क्या बोला? डियर एंट, आई एम हंग्री एंड कोल्ड. मैं भूखा हूं और कोल्ड भी बहुत है, ठंड भी बहुत है. आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है. प्लीज कैन यू गिव मी सम फूड? क्या आप लोग मुझे थोड़ा खाने के लिए फूड दे सकती हो? द एंट शुक इन एंगर. लेजी वन, व्हाट वेर यू डूइंग ऑल समर? You were only singing and dancing. You should have thought of the cold winter months ahead. Go away. She slammed her door shut. The lazy grasshopper was left as hungry as before. So students, क्या हुआ? The ant shook in anger.
ये जो एंट थी, चीटिया थी, वो बहुत गुस्से में थी और क्या बोला, लेजी वन आलसी, व्हाट वेर यू डूइंग ऑल समर, पूरी समर में क्या किया आप लोग ने। ये जो एंट थी उसने बोला ग्रास होपर को कि यू आर लेजी, तो आलसी है, तूने पूरे समर में क्या किया। यू वेर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तू सिर्फ सिंग कर रहा था, गा रहा था और डांस कर रहा था। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड, तुझे सोचना चाहिए था कि आगे कोल्ड विंटर आने वाला है। ओके, गो अवे मीन्स गेट आउट, तू चला जा। सी स्लैम्ड हर डोर शट, और ऐसा बोल के चींटियों ने अपना डोर बंद कर दिया। द लेजी ग्रास होपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, सो ये जो लेजी ग्रास होपर है, आलसी ग्रास होपर, वो भूखा ही रहा, जो पहले भूखा था ऐसा भूखा ही रहा। सो स्टूडेंट्स, व्हाट मोरल यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस स्टोरी, ये जो स्टोरी है उसमें आप, उसमें से आपको क्या सीख मिलती है। वी शुड नॉट बी लेजी, ओके, वी शुड बी ऑलवेज टू डू हार्ड वर्क, हमें लेजी मीन्स आलसी नहीं बनना है और ऑलवेज हमें हार्ड वर्क करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर स्टोरी द ग्रास होपर एंड द एंट्स, ये स्टोरी थी ग्रास होपर एंड एंट की। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।